भाई सबको नमस्कार, राम राम। और ये है ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 7। इससे पहले 6 पार्ट आ चुके हैं भाई। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आए हुए पार्टों को जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपका एक बेस बनना स्टार्ट होगा और वहीं से ही आप ज्योमेट्री को बिल्कुल जीरो लेवल से समझ पाओगे। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले का जो मेटेरियल है वो सारा आपका वैनिश हो जाएगा भाई। तो इससे अच्छा है आप स्टार्टिंग से देखें और पूरा देखें। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड भाई। सेंट्रोइड बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के मैंने आपको और केंद्र, जैसे ट्रायंगल के बीच के केंद्र मैंने आपको कराए हैं, कुछ उसी प्रकार का होता है, लेकिन छोटा सा उसमें फर्क होता है। ध्यान से देखेंगे क्या होता है। ठीक है, देखो सेंट्रोइड, मैं आपको हेडिंग लगाता हूँ, आप हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी में। सेंट्रोइड केंद्र, हिंदी बोलते हैं इसको भाई केंद्र। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, चाहे वो HSSC हो या वो SSC हो, कोई भी हो, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बढ़े क्वेश्चन पेपर में देखो, एक त्रिभुज है। हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं, सारे बच्चे इस चीज से अपने आप को क्लासिफाई करें, इस चीज से याद रखने की कोशिश करें कि अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि इस एक एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का का एंगल वाइज सेक्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और क्या पढ़ चुके हैं भाई हम, और पढ़ चुके हैं इस लाइन का एंगल वाइज सेक्टर, सॉरी इस लाइन का वाइज सेक्टर, लाइन के वाइज सेक्टर ऐसे पढ़ चुके हैं ना, लाइन वाइज सेक्टर भी पढ़ चुके हैं। अब बारी किस चीज की है, देखो अब किस चीज की बारी है, एक चीज हम और पढ़ चुके हैं क्या, एक एंगल का, एक एंगल का एंगल वाई सेक्टर और बाकी दोनों एंगल के बाई वाई सेक्टर, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे, अब देखो ध्यान से, अब पढ़ने वाली चीज ये है, एक शीर्ष से, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इस शीर्ष से अगर मैं रेखा बी सी पर, रेखा बी सी पर एक ऐसा ऐसी लाइन डालू जो इसको दो भागों में बांट दे, शीर्ष ए से रेखा बी सी पर मैं एक लाइन डालता हूँ जो बी सी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इस लाइन को नॉर्मली बोलते हैं माध्यिका, क्या बोलते हैं माध्यिका, मीडियम बोलते हैं माध्यिका, माध्यिका इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई इसको, मीडियम, मीडियम माध्यिका। ठीक है, लिपियों में माध्यिका थोड़ा सा गलत हो जाता है। चलो तो यहाँ पर इसको मैं डी मान लेता हूँ, ए डी, तो ये क्या हो गया भाई माध्यिका हो गया। अब यहाँ पर खास एक बात सोचने वाली क्या है, देखो मैं आपको एक बात करता हूँ भाई, शायद मैंने ये बात आपसे पहले डिस्कस करी होगी, अब दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन बात है वो क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे को बताओ भाई, मेरे को बताओ अगर किन्हीं दो त्रिभुजों का, अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों का की हाइट सेम हो, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की हाइट सेम हो, फॉर एग्जांपल हाइट सेम है, तो मेरे को बताओ क्या उनका एरिया उनके बेस पर डिपेंड नहीं होगा। आप बात तो समझ नहीं पाए, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को। देखो मैं कहता हूँ कि भाई ये दो त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज ये बीच में काट दिया, तो ये ए बी सी और डी, बात को समझेंगे। अब ये दो त्रिभुज हैं, अब अगर मान लो त्रिभुज ए बी सी, इसकी मैं हाइट निकालना चाहूँ, तो मान लो हाइट यहाँ से यहाँ पर कहीं पर आएगी, ये मान लो इसकी हाइट है। ठीक है, नब्बे डिग्री पर हाइट होती है, आप सबको पता है ये इसकी हाइट है। अब मेरे को बताओ भाई, यही हाइट ए डी सी की है, ट्रायंगल ए डी सी की हाइट भी यही है और ट्रायंगल ए बी डी की हाइट भी यही है, दोनों की हाइट सेम है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी, तो एरिया ऑफ ए बी डी क्या होगा, मान लो ये जो पॉइंट है, ये एंगल ऑफ बेस है, ये बी डी। ठीक है, या फिर इसको मान लेते हैं बी डी, इसको हाफ इंटू, इसको मान लेते हैं हाइट, हाफ इंटू बेस कितना इनका बी डी, बेस कितना हुआ इनका बी डी बेस है, तो नाम है हाइट कितनी इनकी एच। ठीक है, आगे आ जाओ ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में हाफ इंटू बेस कितना है डी सी, डी सी और हाइट कितनी है इसकी हुई, इसकी हाइट है एच। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि एच इसकी ए बी सी की हाइट तो एच लग रही है, लेकिन ए बी डी की हाइट एच कैसे है, मेरे को बताओ भाई। एक ट्रायंगल ऐसे टेढ़ा बना हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी जो ये वाली लाइन है ये भी टेढ़ी है, मानो ये लाइन भी टेढ़ी है, तो मेरे को बताओ भाई हाइट तो वहां पर पड़ेगा ना, जहाँ पर नब्बे डिग्री का कोण नीचे आके पड़ेगा, तो इसकी हाइट ट्रायंगल के बाहर बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी, बात क्या दिक्कत है, बताओ हाइट इसकी
बार बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज अगर ये ट्रायंगल छोटा टेढ़ा है तो उसकी हाइट बाहर निकली हुई है बस, मतलब कहने का मतलब ये है इस ट्रायंगल की और इस पूरे बड़े ट्रायंगल की सिर्फ एक ही हाइट है, तीनों की सेम है। तो मेरे को बताओ भाई, अब यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ कि इनकी इनके एरिया में क्या प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी, मैं इनको मार्क करके देख लेता हूँ, डिवाइड बाई ट्रायंगल ए डी सी क्या होगा, हाफ इंटू बी डी इंटू एच बटे हाफ इंटू डी सी इंटू एच। शायद ये चीज मैंने आपसे पहले डिस्कस करी होगी। आप देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आया भाई बी डी बटे डी सी। मतलब कहने का ये है, देखो ध्यान से इसी जो नोट कर लेना भाई, कहने का मतलब ये है कि दो त्रिभुज की हाइट बराबर है, दो त्रिभुज की हाइट बराबर है, उस केस में क्या होगा, उनके बेस का जो रेशो होगा ना, उनके बेस का जो रेशो होगा वही रेशो उनके एरिया का होगा। बात को समझना, जो रेशो उनके बेस का होगा, बी डी डी सी क्या है, बी डी और डी सी इनके बेस है ना, तो इनके रेशो के हिसाब से ही इनके ट्राइंगल का सॉरी इनके एरिया का रेशो होगा एरिया ऑफ ए बी डी एरिया ऑफ ए डी सी, ए बी डी ए डी सी। तो ये बात मैं आपको समझने जा रहा था कि जो भी इनके जो बेस है उनका जो रेशो होगा वो सेम रेशो इनके एरिया का होगा। अब यहाँ पर हम अगर अप्लाई करना माने इसको ले लिया वो इसमें ठीक है, अगर यही चीज हम यहाँ पर सोचें, देखो जब ए बी सी ट्रायंगल में ए डी एक माध्यिका है जो बी सी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, माध्यिका के बारे में मैंने आपको बताया, माध्यिका क्या है, दो बराबर भागों में बांटती है जिस बुझा पर वो गिर जाए, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि अगर अगर मैं इनकी रेशियो देखूं तो ये एक रेशियो एक में नहीं है, मेरे को बताओ भाई एक रेशियो एक में नहीं है, मुझे एक रेशियो एक में बांट दिया इसने, अगर मैं रेशियो की बात करूं तो, और मेरे को सारे बच्चे ध्यान से देख के बताओ, जब ये एक रेशियो एक में है, जब ये एक रेशो एक में है तो क्या इनका एरिया भी एक रेशो एक में नहीं होगा, क्या इनका एरिया भी एक रेशो एक में नहीं होगा, मेरे को बताओ भाई क्या इनका एरिया भी एक रेशो एक में नहीं होगा। आपको सर बिल्कुल होगा, अगर होगा तो पहली चीज हम जान सकते हैं कि एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में या क्षेत्रफल भागों में बांटती है, यह बात हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, बात नंबर एक, ठीक है भाई। आगे देखो, अब अगर अगर मैं कहूं कि यह सेम ट्रायंगल है, पहले तो सेंट्रोइड की बात भी हम कर लेते हैं साथ साथ में, सेंट्रोइड का चलो सेंट्रोइड की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले चीज सीखते सीखते, ठीक है। अब मान लो ये एक माध्यिका है जो इसको बराबर भागों में बांट रही है, फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। दूसरी बात, एक माध्यिका हमने यह ले ली और एक माध्यिका हमने यह ले, चलो आपका सेंट्रोइड भी कवर हो जाएगा, ए बी सी तीन हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने मान लिया जी, ये पॉइंट हमारा हो गया टी, ठीक है, ये ई और ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको इसको ऐसे मिटा देता हूँ, देखते हैं यहां से, इसको रेंड करूंगा, मेरे को बताओ सारे बच्चे, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल बी जी सी को, ट्रायंगल बी जी सी को सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इस चीज को, अगर ट्रायंगल बी जी सी को मैं देखता हूं तो ये जो एंगल है, ये सॉरी एंगल नहीं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके सिर से आई हुई है और इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो मेरे को बताओ भी ये एरिया बी बी जी डी और जी डी सी क्या ये एक रेशो एक में नहीं होगा इनका एरिया, क्योंकि देखो क्या इनके बेस बराबर है, एक रेशो एक में होगा, और अगर एक रेशो एक में होगा तो मेरे को एक बात बताओ भी कि अगर ये एक रेशो एक में होगा और ये पूरा एरिया ए डी बी ए डी सी ये दोनों एरिया बराबर है, तो मेरे को बताओ भी ये जो बच गया एरिया ए जी बी ए जी सी क्या ये भी बराबर नहीं होंगे, एक रेशो एक में नहीं होंगे, आपका आंसर एक रेशो एक में बिल्कुल होंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मेरे को एक बात बताओ भी, अगर ये एक रेशो एक में होंगे तो अगर मैं मान लो इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को आगे बढ़ा दूं उस हिसाब से, तो फिर ये एरिया भी इनके हिसाब से होगा, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इनको बेटे करके यहाँ पर एक लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं,
ये बात भी समझ में आ जाएगी आपके, बिल्कुल इजी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि एक मध्यिका किसी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है और तीनों मध्यिकाएं मिलकर एक त्रिभुज को तीन बराबर भागों में भी बांट सकती है। कहने का मतलब यह है तीन मध्यिकाएं होगी एक त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। इसको सगली सुकुमार ने इसमें उतार लिया, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखो, आप देखो ये जो बीच में बिंदु बना ना, तीनों मध्यिकाओं से मिलके बीच में जो बिंदु बना, इसी बिंदु को क्या बोलते हैं भाई, केंद्र बोलते हैं। ये बात भी समझते रहना, ये क्या होगा केंद्र, जो जो हम पढ़ रहे हैं वो यही है। तीनों मध्यिकाओं से मिलकर जो बिंदु बनेगा बीच में उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। इसका सगली छोट ले लो, इसमें उतार लो, आगे देखते हैं इसे। देखो एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं यहां पर, मैंने एक यहां पर बांध दिया कुछ और एक बांध दिया मैंने यहां पर, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, और एक बांध दिया मैंने पूरा ही बना दूं तो इसको ये होगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ सारे बच्चे ध्यान से देखो इस चीज को, क्या मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि ये एक रेशो एक में बट रहा है, एक रेशो एक में बट रहा है। और इसको देखते हुए, इसको ध्यान से देखते हुए मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी एक रेशो एक में बट रहा है, क्योंकि ये भी इसको बराबर दो भागों में बटेगी और ये भी एक रेशो एक में बट रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं जैसी बात है। तो मेरे को बताओ ये सारी बातें जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन का ये नहीं होगा कि तीन बात दिखाएं मध्यिकाएं त्रिभुज को छह बराबर भागों में बांटती है, यही बात कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं। अब देखो इसके अंदर मैं एक फेरबदल करता हूं, इसी के अंदर एक फेरबदल करता हूं, मैं इस वाली लाइन को मिटा देता हूं और इस वाली लाइन को मिटा देता हूं। देखो यहां से फर्क क्या पड़ेगा, यहां से फर्क क्या पड़ेगा, ये एक और एक दो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई दो, और ये एक और एक दो हो जाएगा। देखो दिख रहा है, दिख भी रहा है, ये छोटा है ये एरिया बड़ा है, तो ये एक ये दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, और देखो ये सारा कितना हो गया, ये एरिया तीन हो गया, एरिया तीन और तीन और तीन होता क्या, एक एरिया एक, बात तो वही है ना, अल्टीमेटली बात वही है। तो हम इतनी गहराई में ना करते सिर्फ इस बात को समझेंगे। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, छोड़ को आपको समझाने के लिए इसको मिटा देता हूं और बात को समझो। मेरे को बताओ भाई ये जो ट्रायंगल है, ये जी पॉइंट है, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी डी जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मेरे को बताओ भाई, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा कर देखूं तो बेस ये हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और आप मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर इनका एरिया दो अनुपात एक के अनुपात में है, अभी मैंने आपको समझाया था एरिया का और जो एरिया और जो बेस होता है उनका सेम अनुपात होता है अगर हाइट बराबर हो, तो मेरे को बताओ भी इन दोनों ट्रायंगल से हाइट बराबर है, अगर हाइट बराबर है तो मेरे को एक बात बताओ भी इनका जो बेस का एरिया हो वो एरिया भी क्या दो अनुपात एक नहीं होगा, एरिया भी क्या दो अनुपात एक नहीं होगा, आपको सर बिल्कुल होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन जो निकलता है वो भी लिख लेते हैं हम, माध्यिका ना सॉरी केंद्रक, केंद्रक ये केंद्रक है ना, केंद्रक माध्यिका को, माध्यिका को दो अनुपात एक के अनुपात में बांटता, बांटता बात समझ में बिल्कुल इजी था। तो हमने कई चीजें पढ़ी भाई यहां पर, पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि एक त्रिभुज के अंदर जो माध्यिका होती है, त्रिभुज के अंदर जो माध्यिका होती है वो उसको दो बराबर भागों में बांटती है, सबसे पहले चीज हमने पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा कि तीनों मध्यिकाएं मिलकर त्रिभुज को तीन बराबर भागों में बांट सकती है, वो मैंने आपको बताया। और फिर हमने क्या पढ़ा कि एक त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं उसको छह बराबर भागों में भी बांट सकती है, फिर हमने वो पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को दो अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब यह है कि कल को अगर कोई आपको ये कह दे,
कल को अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा था, वैसे तो हम इस पर डिटेल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पूरा का पूरी वीडियो लाऊंगा भाई जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे ट्रायंगल्स के ऊपर। मेरे को बताओ भाई, अगर कोई आपको कह दे कि भाई ये एक माध्यिका है, ये एक माध्यिका है और ये पॉइंट है उसका जी, मतलब कि केंद्र। मान लो कोई आपको कह देता है ये पॉइंट उसका केंद्र है, फॉर एग्जाम्पल बात को समझेंगे किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करना आपने। और आपको कोई कह दे कि भाई ये ए और डी, ये जी पॉइंट है, कोई आपको कह दे कि भाई जो ए डी है ना वो 33 सेंटीमीटर का है, जो ए डी है वो 33 सेंटीमीटर का है, तो ए जी बताओ कितना होगा, ए जी बताओ कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये केंद्रक है और ये माध्यिका है तो ये इसको 2:1 में बांटेगा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसको 2:1 में बांटेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और मेरे को बताओ भाई ये दो ये एक कुल मिलाकर कितना, तीन, कुल मिलाकर माध्यिका कितनी, तीन। लेकिन यहाँ पर माध्यिका कितनी रखी, 33। तो मेरे को बताओ भाई क्या इस तीन की वैल्यू 33 के बराबर नहीं होगी, और अगर होगी तो कितने गुना है ये, 11 गुना। हमने क्या बताया ए जी की वैल्यू, ए जी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 22 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला तो 22 सेंटीमीटर है और नीचे वाला 11 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजीली अगर हमने ये सारी बातें बता रहे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, केंद्रक मैंने कराना था, ये आपका केंद्रक है वही सेंटर, इसको ध्यान से कर लेना, समझ लेना। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए बुक है तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसका सेकंड शॉट मार लियो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करियो भाई सभी बच्चों के पास, हरियाणा की कोई तैयारी कर रहा है या फिर SSC की कोई बच्चा तैयारी करने लग गया है हरियाणा की पार्ट देखते हैं, तो उनके भी एक बार शेयर करियो। और अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई, ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। और हमारा जो ट्राइंगल सॉरी ज्योमेट्री का जो चैप्टर चल रहा है इसको हम कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। चलो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।